हाई यू गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ खुशी। तो 2020 तीन चार दिन के अंदर खत्म होने वाला है एंड ये ईयर मेरे लिए काफ़ी यू नो लाइफ चेंजिंग था। एक तरह से डिप्रेसिंग भी था, काफ़ी हेक्टिक भी था। मेरा पूरा एक्ने बढ़ गया था। मुझे लिटरली हमेशा से एक दो पिम्पल्स आते थे, उससे ज़्यादा कभी नहीं। बट लॉकडाउन में मेरा पूरा चीक्स भर गए थे, जॉ नेक पूरा फेस खराब हो गया था। एंड मैं हमेशा सोचती थी कि एक्ने है तो उतनी बड़ी बात क्या है, क्योंकि मेरे को कभी उतना ज़्यादा एक्ने हुआ नहीं। मेरे को रेगुलर एक दो एक्ने होते थे, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मुझे पता चला जब मेरा पूरा मुंह भर गया था एंड कितना डिप्रेसिंग था वो, कितना अनोइंग था, कॉन्फिडेंस गिर गया था। मैं फोटोज़ नहीं लेती थी, लिटरली मैं एक भी सेल्फी नहीं लेती थी। घर में सब यू नो रेडी होके एंड वो लिपस्टिक चैलेंज या कुछ में ना अलग अलग चैलेंजेस करते थे। मैंने कुछ नहीं किया था एक्ने की वजह से। मैं फिल्टर लगाती थी स्नैपचैट पे, फिर भी वो एक्ने दिखता था। मुझे इतना ज़्यादा एक्ने हो गया था। तो ये तो आप सबको पता है कि मैं एक्यूटीन पे थी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपनी एक्यूटीन की जर्नी शेयर की है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हो, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। तो उसमें मैंने बताया कि मैं बस 45 डेज के लिए एक्यूटीन पे थी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरी बॉडी सह नहीं कर पाई तो मैंने छोड़ दिया था एक्यूटीन। तो एक्यूटीन छोड़ने के बाद भी मुझे तीन चार पिंपल्स आया करते थे पीरियड से पहले, या अगर मैं कुछ चॉकलेट या कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, दूध, मुझे दूध से पता नहीं क्यों आते हैं, तो अगर मैं ऐसा कुछ कर लेती थी तो मुझे एक्ने आ जाता था। तो उसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज करती थी। ये मुझे डॉक्टर ने ना ही प्रिस्क्राइब किए थे, मैं मेडिसिन पे तो थी नहीं। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती थी, आज मैं उनके बारे में बात करूंगी। ये बेसिकली मेरे टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज मुल्तानी मिट्टी। ये तो सबको पता होगा मुल्तानी मिट्टी यू नो कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। वो पूरा गंक निकाल देती है, एक्ने भी एक हद तक को काफी कंट्रोल करती है। तो मैं अभी भी, ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये आई गेस 2-3 दिन पहले की फोटो है, मैंने ये लगाया था। एंड मैं इसको प्रेफर करती हूँ दही के साथ लगाने में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है तो मैं दही के साथ लगा लेती हूँ एंड काफी कूलिंग सा, ठंडा ठंडा भी लगता है। बट अगर आपके वहां ठंड बहुत ज्यादा तो आप रोज वाटर लगाएं, उससे ज्यादा नहीं। तो मुल्तानी मिट्टी का क्या है कि वही पूरा गंक निकाल देता है एंड वंस अ वीक इनफ है पूरे स्किन के लिए। क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी एंड वही ऑयल आपके पोर्स को क्लॉक करेंगे ना, आपको एक्ने होगा। पर अगर आप मुल्तानी मिट्टी यूज करोगे तो वो पूरा ऑयल निकाल लेगी, जिससे वो पोर्स क्लॉग नहीं होंगे। सो आप कोई भी ब्रांड की मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वो मुल्तानी मिट्टी ना पूरी पतली सी और छनी हुई हो, उसमें कोई ग्रैन्यूल्स ना हो, उसमें कुछ दाने ना हो, क्योंकि स्किन पे हार्श हो सकते हैं। मैं कैसे निकालती थी, मैं इसको दही के साथ मिक्स करती हूँ, मैं लगाती हूँ बस 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो ठंड भी है एंड ऊपर से ना उतना ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, एक तरह से ड्राई भी कर देगी वो। तो मैं उतना नहीं लगाती, मैं बस 15 मिनट्स के लिए लगाती हूँ एंड मैं इसको जेंटली स्क्रब करती हूँ। पर तब मैं स्क्रब करती हूँ तो मैं कुछ फील नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स नहीं, एकदम छनी हुई, एकदम बारीक मुल्तानी मिट्टी है। तो मेक श्योर वैसी ही आपकी हो, ताकि आप उसको आराम से स्क्रब करके निकाल। मूविंग ऑन दी सेकेंड थिंग जो मैंने 2020 में ही डिस्कवर की इज पिंपल पैचेस। तो इस पे मेरा पूरा एक डिटेल वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं अगर आपको देखना है, तो मैं उसे नीचे लिंक कर दूंगी। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपको कोई भी एक्टिव एक्ने हो तो आपको बस एक पैच लेना है, उसको उस पिंपल पे लगाना है एंड सो जाना है, कुछ नहीं करना, बस सो जाना है, मतलब रात में लगा के सो जाना है। तो ये बेसिकली पूरा गंक निकाल देगा एंड ये स्कारिंग नहीं करेगा, क्योंकि काफी बार क्या होता है एक्ने चला जाता है एंड स्कार्स नहीं जाते। एज यू गाइस कैन सी, एक्ने चला गया पर स्कार्स नहीं गया, अभी भी वो पिटेड स्कार्स हैं मेरे फेस पे। तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है, मतलब अभी मुझे हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो एक्ने स्कार्स छोड़ चुके हैं। पर अगर आपको कोई एक्टिव एक्ने है तो आप इसको आराम से इस पर लगा सकते हो एंड ये फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा गंक निकालेगा, काफी ईजी होगा एंड यू नो उस एक्ने का बैक्टीरिया कहीं फैलेगा भी नहीं, तो वो एक प्लस पॉइंट है। ये तो काफी बार एक एक्ने यहाँ पे पॉप करो 2-4 और निकल जाते हैं, पर इसके साथ वैसा नहीं होता। मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग इज एलोवेरा जेल। तो मेरे साथ क्या होता है, मेरे सिस्टिक एक्ने चले गए थे, हॉर्मोनल चले गए थे, बट रेड रेड एक्ने आने लग गए थे एंड उसी के साथ रेडनेस, इन्फ्लेमेशन काफी हो गया था, मेरा पूरा रेड रहता था ये एरिया। तो उसमें एलोवेरा जेल ने काफी ज्यादा हेल्प की। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि हम प्योर एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, नहीं, मैंने उसको ट्राई किया, मैंने उसको एक्टिव एक्ने पे ट्राई किया एंड स्किन की बैंड बजा दी, मुझे जलन होने लग गई वो। तो अगर आपका एक्टिव एक्ने तो उसको बिल्कुल यूज ना करो एंड मैं अभी वापस सोच रही हूँ यूज करने का, क्योंकि मेरा एक्टिव एक्ने नहीं है एंड बस स्कार्स है एंड स्कार्स में लिटरली जो नेचुरल एलोवेरा है वो हेल्प करता है ना, वैसी हेल्प कोई चीज नहीं कर सकता। तो ये एलोवेरा जेल मैं इसको खाली यूज नहीं करती थी, मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेती थी एंड उसके साथ मैं मिक्स करती थी टी ट्री ऑयल। तो ये है गुड वाइब्स का टी ट्री ऑयल, बहुत यू नो ट्रिकी है इसको बोलना। तो मैं इसको बेसिकली दोनों को मिक्स करती थी एंड उसको बस मैं एक्ने पे लगाती थी। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी, मैं स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था
टी ट्री ऑयल क्या होता है, तो मैंने लिटरली इसको पूरे फेस पे लगा दिया था, मुझे बर्निंग सेंसेशन हो गई थी। तो नहीं, इसको पूरे फेस पे नहीं लगाना है, इन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट सा बना के बस उस एक्ने पे लगा के यू नो ऐसा टिप टिप करके छोड़ देना है। आई डोंट नो व्हाट टिप टिप इज, मैंने ऐसे ही बोला। तो उसको बस यू नो बस उस पिंपल पे टच करके छोड़ देना है, एंड दैट्स इट, एंड यू आर गुड टू गो। एंड आप इसको रात में अच्छे से लगा के सो सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग जो मेरे पास फिलहाल है नहीं, क्योंकि मम्मी दे ही नहीं रही है, मम्मी हमें आइस बिल्कुल नहीं रखने दे रही है फ्रिज में, क्योंकि बहुत बुरी आदत है नीचे से आने के बाद आइस का पानी पीना, एंड वैसे भी सर्दियाँ आ गई तो काफ़ी बार बीमार भी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक्ने में, जिसने मेरी हेल्प की क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो है आइस। फ्री में है, बिल्कुल पैसे नहीं लगते, जितनी मर्जी आइस का क्या, एक तो पूरा बहुत अच्छी एक तो कूलिंग सेंसेशन देगा वो एक्ने पे, आप अगर रखोगे तो अगले दिन तक वो एक्ने बैठ जाएगा, ये मैंने नोटिस किया है। क्योंकि फोरहेड पे मुझे बहुत कम एक्ने होता है, मैंने उसको अपने चीक्स के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि चीक्स के लिए मैं ऑलरेडी बहुत कुछ यूज़ कर रही थी, मैंने कहा नहीं आइस को उतना, बस मैं मसाज करती हूँ दैट्स इट, मैं उसको रखती नहीं थी कभी। तो मुझे फोरहेड पे एक दो पे एक्ने आता है यहाँ पे एकदम अंदर जाके स्कैल्प में, तो तब मैं उस पर आइस रख देती थी, अगले दिन वो पूरा बैठ जाता था, एंड यू नो बिल्कुल दर्द नहीं होता था। तो फ्री में अगर आप कुछ देख रहे हो तो आइस है, आइस से फ्री कुछ नहीं है, बस पानी रखो एंड यू आर गुड टू गो। मूविंग ऑन द लास्ट एंड माय मोस्ट फेवरेट केमिकल एक्सफोलिएटर, द ऑर्डिनरी AHA BHA पील। तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हो, मैं इसको नीचे लिंक कर दूंगी। तो काफ़ी बार क्या होता है, हमारा एक्ने होता है ना, बेवकूफ़ों की तरह वो स्क्रब करने लग जाते हैं, फिजिकल स्क्रब जो अपने मार्केट में काफ़ी सारे हैं, वॉलनट शेल्स, मतलब सीरियसली वॉलनट कितना ज़्यादा हार्श होता है, एंड वही हम अपने फेस पे रगड़ रहे हैं, मतलब लिटरली हम उसको रगड़ रहे हैं। एंड देन मैं एक और फेस स्क्रब मैंने यूज़ किया था जो था VLCC का, पता नहीं कुछ तो था, एंड उसमें लिटरली ऐसा लग रहा था मैं मिट्टी रगड़ रही हूँ, ऐसा लग रहा था मैं सैंड पेपर रगड़ रही हूँ अपने फेस पे, पता नहीं मैं इतनी बेवकूफ़ थी उसको यूज़ करने के लिए। सो इफ़ यू आर समवन विद एक्ने प्रोन स्किन, डेफिनेटली केमिकल एक्सफोलिएटर ही आपके लिए है, बट अगर आपकी कहीं ना कहीं सेंसिटिव स्किन है तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब नहीं आप यूज़ नहीं कर सकते केमिकल एक्सफोलिएटर, बट अदर देन दैट अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करते कर सकते हैं, एंड ये जो रिजल्ट्स देगा वो कोई और चीज़ नहीं देगा। सो ये तो बात हो गई प्रोडक्ट्स की, अब थोड़ी सी टिप्स जो मुझे यू नो काफ़ी लेट रियलाइज हुई एंड मैं दे सकती हूँ आपको, क्योंकि यू नो मुझे एक्ने था बहुत लंबे टाइम के लिए, 3-4 महीने के लिए। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि द फर्स्ट थिंग इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। मुझे पता है ये कहीं साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि पानी पीने से स्किन क्लियर होती है, पर मैंने बहुत नोटिस किया। मेरे पास लिटरली 1 लीटर की बॉटल थी, मैं उसको दो तो मैं मिनिमम पीती थी, मैक्सिमम कभी 4 कभी 5 एंड उससे ज़्यादा नहीं। तो पानी ने इतनी ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि मैंने नोटिस किया जब भी मैं 2 लीटर से कम पानी पीती थी मेरा एक एक्ने आ जाता था, जब मेरा बहुत एक्टिव एक्ने था, तो मैं पानी इतना ज़्यादा पिया, मेरे बेड के साइड में वो पूरी बॉटल रहती थी, मैं सुबह उठते ही पीती थी, एंड मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, एक तो हाइड्रेट भी करता है बॉडी को अंदर से एंड स्किन में। आई नो कहीं प्रूवन नहीं है, बट जितना मैंने नोटिस किया पानी हेल्प करता है एक हद तक। एंड द नेक्स्ट टिप आई वुड गिव कि बालों को ना मुंह से दूर रखें। अभी तो मैं रख रही हूँ क्योंकि मेरा एक्टिव एक्ने है नहीं, बट कभी भी एक्टिव एक्ने होते तो अपने बालों को एकदम यू नो पीछे ही रखें, मुंह पे उतना टच ना होने दें, क्योंकि बाल काफ़ी बार गंदे होते हैं, इनमें डैंड्रफ होता है जो एक्ने कॉज कर देता है। तो बालों को एक तरह से दूर ही रखो फेस से, एंड जो आपके पिल्लो केस है उसको धो, साफ करो उसको हर एक वीक में। बेडशीट साफ करने की जरूरत नहीं, चलो बेडशीट नहीं करेंगे, इतना आलस खा लेते हैं, बट पिल्लो केस को डेफिनेटली साफ करो। एंड लास्ट एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी एंड जो मैंने खुद ने भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ मैं, वो कि अपना स्किन केयर ऑलमोस्ट 1-2 घंटे पहले करो बेड पे जाने से पहले। पता चला स्किन केयर किया, सब कुछ लगा, सो गए ऐसे ही, तो मतलब फ़ायदा क्या हुआ, जितना भी स्किन पे है वो स्किन में उतना जाएगा नहीं, वो सीधा पिल्लो पे जाएगा। तो उससे बेटर है सोने से 1-2 घंटे पहले अपना पूरा स्किन केयर रूटीन करो, ताकि वो स्किन के अंदर जाए एंड ना कि पिल्लो के अंदर। तो मेरा सपना सपना ही रह गया, मेरा सपना 500 सब्सक्राइबर्स का बिफोर 31st December, क्योंकि अभी 3-4 दिन ही रह गए हैं, उसमें 70 सब्सक्राइबर्स आना एक तरह से इम्पॉसिबल है, बट कोई नहीं, 430 सब्सक्राइबर्स भी मेरे लिए काफ़ी हैं, आई एम ग्रेटफुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।